दोस्तों स्क्रीन पे दिखाए गए इस मैसेज को ध्यान से देखिए और समझिए। ये मैसेज ई फिलिंग की वेबसाइट के ऊपर दिखाया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उन्होंने यहाँ पे सभी अपने टैक्स पेयर को अटेंशन किया है कि वो सावधान रहे, जागरूक रहें फेक रिफंड मैसेजेस की तरफ से, जो कि किसी फ्रॉडेंट लोगों के द्वारा फैलाए जा रहे हैं। कुछ एसएमएस भेजे जा रहे हैं, कुछ फिशिंग मेल ईमेल्स भेजी जा रही हैं। इनके बारे में हम आपको इस वीडियो में पूरा बताएंगे। इस मैसेज से रहे दूर वरना खाली हो जाएगा आपका खाता। दोस्तों इस तरह का एक मैसेज दिया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर को फर्जी टैक्स रिफंड मैसेज के बहकावे में न आने की सलाह दी है। तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस मैसेज के बारे में पूरी तरह से। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा बताया गया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी टैक्स पेयर को सावधान किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि फर्जी टैक्स रिफंड मैसेज के बहकावे में ना आए और किसी भी सूरत में अपने बैंक अकाउंट पिन, ओटीपी, पासवर्ड या अन्य फाइनेंशियल अकाउंट से संबंधित जानकारी किसी अनजान सोर्स के साथ शेयर ना करें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस बारे में एसएमएस और ईमेल के जरिए भी रजिस्टर्ड करदाताओं को जागरूक कर रहा है। इनकम टैक्स के मुताबिक विभाग द्वारा किसी भी फोन, एसएमएस या ईमेल के जरिए करदाताओं से डेबिट या क्रेडिट कार्ड के पिन, ओटीपी, पासवर्ड या ऐसी कोई भी जानकारी नहीं मांगी जाती है। आईटी डिपार्टमेंट कभी नहीं मांगता है इस तरह की जानकारियां, जिस तरह की जानकारियां इन फिशिंग मेल्स के अंदर मांगी जा रही है, फेक मैसेजेस के अंदर मांगी जा रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी वेबसाइट के ऊपर जहां से इनकम टैक्स की रिटर्न भरी जाती है वहां पे एक मैसेज भी डिस्प्ले किया है जिसमें इस पूरे फ्रॉड को समझाया है। वहां से भी आप इसको समझ सकते हैं। कैसे करेंगे पहचान फिशिंग ईमेल की, इसके बारे में बताया गया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि फिशिंग ईमेल की पहचान सावधानी से करें। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ बातें बताई है। जिस आईडी से मेल आया है उसे ध्यान से देखें, उससे में या तो गलत स्पेलिंग होगी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से मिलता जुलता कोई दूसरा नाम। तो दोस्तों जो आपको मेल आपने रिसीव हुआ है आपके पास, उस ईमेल में जिस एड्रेस से वो ईमेल आया है या तो उसमें इनकम टैक्स की स्पेलिंग जो है वो गलत लिखी गई होगी या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से मिलता जुलता ही उसका नाम होगा। इसके बाद फिशिंग मेल मिलने पर आप क्या करें, आपको क्या सावधानियां बरतनी है उसके बारे में बताते हैं। ऐसे किसी मेल के साथ जो अटैचमेंट दी गई है उसे बिल्कुल ओपन ना करें। मेल में दिए गए किसी लिंक को क्लिक ना करें। जो मेल में आपको लिंक दिए जाते हैं वो बड़े ही लुभावने लिंक दिए जाएंगे कि आपको सोचने पर मजबूर करेंगे वो लिंक कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर कुछ पैसा बाकी है, आप अभी भरें नहीं तो आपको पेनल्टी होगी, आपको 2000 रुपये पर डे पेनल्टी देनी होगी। इस तरह के अगर आपको कोई लिंक में उसके साथ अगर कोई लिंक दिया गया है मैसेज के साथ तो आप उस लिंक पर बिल्कुल क्लिक ना करें। अगर आप धोखे से किसी लिंक पर क्लिक कर भी दें तो उसमें कहीं भी अपने बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की निजी जानकारी इंटर ना करें। अगर आपने किसी लिंक के ऊपर क्लिक कर भी दिया है तो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, विशेषकर बैंक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी उस लिंक में या उस एड्रेस के ऊपर शेयर ना करें। तो दोस्तों इस तरह का मैसेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया है जो कि सभी उन टैक्स पेयर के लिए है और उन सभी खाता धारकों के लिए है जो अपने अकाउंट्स के अंदर लेन देन करते हैं, जिनका अच्छा लेन देन होता है या कैसा भी लेन देन हो
उन सभी के लिए ये वीडियो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और इस तरह के फ्रॉड लोगों से, फ्रॉड ईमेल से, फ्रॉड एसएमएस से हम सबको बचा सकें। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर।